लॉग पीरियडिक एंटीना में आगे चलने से पहले हम थोड़ा सीरीज रेजोनेंस को रिवाइज कर रहे हैं। क्या था सीरीज रेजोनेंस? सीरीज रेजोनेंस में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड थे एक वोल्टेज सोर्स के साथ। ठीक, इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है वी और इसका एंगुलर फ्रिक्वेंसी है ओमेगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है, इंडक्टर की वैल्यू एल है और कैपेसिटर की वैल्यू सी है। अब मुझे अगर इनका इम्पीडेंस निकालना है विच इज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा, देन इट विल बी आर प्लस एक्सएल प्लस एक्ससी, बिकॉज ऑल दीज कंपोनेंट्स आर इन सीरीज। एंड व्हाट इज एक्सएल? एक्सएल इज जे ओमेगा एल। एंड व्हाट इज एक्ससी? एक्ससी इज माइनस जे अपॉन ओमेगा एल ओमेगा सी। अब हम ये वैल्यू यहां पुट कर रहे हैं तो मुझे मिला इंपेडेंस इक्वल्स टू आर प्लस जे ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी। फाइन, नाउ आई एम टेकिंग कॉमन टू दिस जे एंड आई विल गेट आर प्लस जे एल ओमेगा और ओमेगा एल एक ही बात है, वन अपॉन ओमेगा सी। ठीक, रेजोनेंस इज अ कंडीशन एट विच योर इंपीडेंस विल बी प्योरली रेजिस्टिव। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ एट रेजोनेंस कंडीशन दिस इज इक्वल्स टू आर ओनली। और ये कब होगा? जब एल ओमेगा माइनस वन अपॉन सी ओमेगा की वैल्यू जीरो हो जाए, बिकॉज दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जे ओमेगा। अब अगर ये वैल्यू जीरो होती है तो हमें मिलेगा एल ओमेगा इक्वल्स टू वन अपॉन सी ओमेगा। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन अपॉन एल सी एंड ओमेगा इक्वल्स टू वन अपॉन रूट एल सी। ठीक, बट वी नो दैट ओमेगा इक्वल्स टू टू पाई एफ, सो वी गेट एफ इक्वल्स टू वन अपॉन टू पाई रूट एल सी। ये आपने सीरीज रेजोनेंस में पढ़ा है। इसका मतलब यह है इफ माई एंगुलर फ्रिक्वेंसी इज इक्वल्स टू वन बाय रूट एल सी देन आई विल गेट जेड ओमेगा इक्वल्स टू प्योरली रेजिस्टिव आर। इफ माई फ्रिक्वेंसी और से एंगुलर फ्रिक्वेंसी इज ग्रेटर देन माई रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ओमेगा आर, नाउ आई एम सेइंग इट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ओमेगा आर। फाइन, अब मैंने क्या किया, मेरा ओमेगा जो है वो ओमेगा आर से बड़ा हो गया, मैंने रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करना चालू किया। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि अब मेरा एल ओमेगा माइनस वन अपॉन सी ओमेगा की वैल्यू जीरो से बड़ी आएगी। क्यों? क्योंकि एल ओमेगा ओमेगा इंक्रीज होने से एल ओमेगा इंक्रीज हुआ जबकि वन अपॉन सी ओमेगा डिक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि ओमेगा यहां पे डिनोमिनेटर में है जबकि ओमेगा यहां पे न्यूमरेटर में है। व्हेन आई इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ओमेगा एल ओमेगा विल इंक्रीज एंड वन अपॉन सी ओमेगा विल बी डिक्रीज, सो माय रिजल्टेंट एल ओमेगा माइनस सी ओमेगा वन अपॉन सी ओमेगा विल बी ग्रेटर देन जीरो एंड आई विल गेट जेड ओमेगा इज इक्वल टू आर प्लस जे समथिंग, क्योंकि अब ये जीरो नहीं होगा, इमेजिनरी पार्ट आएगा और कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक, अब हम देखते हैं कि मैंने ओमेगा की वैल्यू ओमेगा आर से कम कर दी। क्या किया मैंने? रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी पे गया मैं। अभी यहां क्या किया था? रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से हाई फ्रिक्वेंसी यूज की, अब रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से लो फ्रिक्वेंसी यूज की। अब क्या होगा? Now my L omega minus 1 upon C omega will be negative or say less than 0. क्यों? क्योंकि मैंने omega को decrease किया तो मेरा 1 upon omega की value कम हुई,
जबकि मेरी 1 अपॉन सी ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज हो गई. सो माय नेगेटिव पार्ट इज इंक्रीजिंग एंड माय पॉजिटिव पार्ट इज डिक्रीजिंग. सो रिजल्टेंट विल बी एल ओमेगा विल बी लेस देन 1 अपॉन सी ओमेगा. हेंस आई विल गेट जेड आर इक्वल्स टू जेड ओमेगा इक्वल्स टू आर माइनस जे समथिंग. क्यों ऐसा क्यों हुआ? यहां पर एल ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन सी ओमेगा था तो मुझे जेड ओमेगा की वैल्यू मिली आर. यहां एल ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो मुझे जेड ओमेगा की वैल्यू मिली आर प्लस जे समथिंग. यहां एल ओमेगा की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो मुझे मिला आर माइनस जे समथिंग. यानी कि अगर मैं फ्रिक्वेंसी को बढ़ा रहा हूं या फ्रिक्वेंसी को कम कर रहा हूं, मेरा इंपीडेंस जेड इज जेड डब्ल्यू will always increase. क्यों? क्योंकि जब हम mod निकालेंगे तो वो होता है under root of real part का square plus imaginary part का square. और उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि imaginary part आपका positive है या negative. square होने के बाद हमेशा positive value मिलेगी. ठीक, हम इसको अभी और आगे बढ़ेंगे. अभी हमने देखा Z omega equals to R at resonant frequency and Z omega equals to R plus J something when your working frequency is greater than your resonant frequency. फिर हमने third condition देखी, Z omega equals to R minus J something when my working frequency is less than my resonant frequency. यानी कि आप resonant frequency से high पे जाएं या resonant frequency से low पे जाएं, आपका impedance हमेशा R से ज्यादा आएगा. क्यों? Because Z equals to under root of real part का square प्लस इमेजिनरी के पार्ट का स्क्वायर. ठीक, अब हम इसको ग्राफिकली देखते हैं. एक्स एक्सिस पे ओमेगा है और वाई एक्सिस पे जेड अपॉन आर है. ठीक, एट रेजोनेंस माय जेड इज इक्वल्स टू आर से समवॉट हियर. सपोज कीजिए ये मेरी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है और रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे हमें मालूम है Z की वैल्यू R के बराबर है, यानी Z अपॉन R किसके बराबर हो जाएगा? 1 के. ठीक, अब मैं रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से हाई फ्रिक्वेंसी पे जाऊंगा तो क्या होगा? Z की वैल्यू इंक्रीज होगी. सो Z अपॉन R भी 1 से इंक्रीज होगा. सिमिलरली अगर मैं लोअर फ्रिक्वेंसी पे काम करूंगा तो मेरी वैल्यू कितनी होगी? R माइनस जे समथिंग, लेकिन मेरा R से Z हमेशा ज्यादा रहेगा. ठीक, अगर ओमेगा जीरो हो गया तो ये इनफाइनाइट पे जाके इस एक्सिस को टच करेगा. सिमिलरली यहां पे अगर ओमेगा इनफाइनाइट हो गया तो ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा. फाइन, ये ग्राफ आपको शो कर रहा है नो मैटर whether you are increasing your frequency or decreasing your frequency from omega r, आपका z upon r हमेशा एक से ज्यादा होगा. ठीक, यहां से हमें आंसर मिलेगा कि log periodic antenna को log periodic क्यों कहते हैं. इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए. अब इस ग्राफ को हम बार बार बनाएंगे. मेरा ये रेजोनेंस है, यहां पे मुझे अनादर एलिमेंट मिल गया, एक अगला रेजोनेंस मिला, फिर मुझे एक और अगला रेजोनेंस मिला, फिर अगला रेजोनेंस मिला. अब क्या हो रहा है, अगर मैं इस स्केल को लॉग पीरियोडिक पर रख लूं, लॉगरिथम स्केल पे ले लूं, तो ये मुझे कॉम्पैक्ट होकर कुछ ऐसा मिलेगा. यानी कि मेरा इंपीडेंस पीरियोडिकली वेरी करेगा. कब? जब मैं एक्स एक्सिस पे फ्रिक्वेंसी का
ओमेगा स्केल में को लॉगरिथमिक स्केल पे ले लूं। दैट्स व्हाई दिस पीरियोडिक सिग्नल लुक्स लाइक ए पीरियोडिक सिग्नल व्हेन आई यूज लॉगरिथमिक स्केल इन एक्स एक्सिस। दैट्स व्हाई दिस एंटीना इज कॉल्ड लॉग पीरियोडिक। लॉग क्यों? क्योंकि ये एक्सिस पे हमने लॉगरिथमिक स्केल ली है। और पीरियोडिक क्यों? क्योंकि हमें इंपेडेंस एक साइन वेव की तरह पीरियोडिक मिला है। यहां प्रीरिक्विजिशन खत्म होती है। अब हम लॉग पीरियोडिक एंटीना की वर्किंग की तरफ जाएंगे।